राजस्थान में जो सियासी संकट कुछ दिन पहले शांत होता दिख रहा था, वैसा नहीं है। राजस्थान पुलिस ने आईटी एक्ट के तहत सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर पर मामला दर्ज किया है। इस खबर के सामने आने के बाद माना जा रहा है कि अशोक गहलोत सरकार ने सचिन पायलट कैंप के खिलाफ फिर से मोर्चा खोल दिया है। दरअसल ये मामला नया नहीं है। राजस्थान में पिछले दिनों जब सियासी संकट चल रहा था, तब सचिन पायलट और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच चल रहा विवाद समाचार पत्रों की पहली खबर बना हुआ था। इस दौरान ही जैसलमेर के होटल में रुके कुछ विधायकों के फ़ोन टेप हुए थे और उसके आरोप सचिन पायलट कैंप पर लगे थे। इस मामले की जांच जारी थी और अब इसे लेकर ही सचिन पायलट के मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह पर जयपुर पुलिस ने केस दर्ज किया है। फ़ोन टैपिंग का ये मामला 7 अगस्त का बताया जा रहा है और इस पर केस बीते मंगलवार यानी 6 अक्टूबर को जयपुर में दर्ज किया गया है। इस मामले के दर्ज होने के बाद दोबारा एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है कि अब तक सब कुछ जो सामान्य लग रहा था वैसा नहीं है और तूफान आने से पहले का सन्नाटा था, जो अब हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में दोबारा राजस्थान की राजनीति बड़ा संकट पैदा कर सकती है। सचिन पायलट के घर उनके मीडिया मैनेजर लोकेंद्र सिंह का बयान दर्ज करने साइबर थाने के SHO सुरेंद्र पंचोली अचानक पहुंच गए। इसकी कोई जानकारी नहीं थी, जिसके बाद ही उनके मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। माना जा रहा है कि पुलिस के ऊपर दबाव है, यही वजह है कि सचिन पायलट से अनुमति लिए बिना ही पुलिस उनके घर पहुंच गई। ऊपर से किसका दबाव हो सकता है, ये सभी जानते हैं।